अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ शाइस्ता जलील। अमेरिका में अगले सदारत इंतखाबात के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, वहीं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों भरपूर अंदाज में इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं। अर्ली वोटिंग और अवामी सर्वेस के मुताबिक जो बाइडन को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमरीका में इंतखाबात का सख्त तरीन मरहला कितना मुख्तलिफ साबित हो सकता है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों से। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तौसीफ अहमद और आमिर लतीफ़ इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए सुनिए। देखिए, ये जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान रिवायती इंतखाबात होते थे, अब तक उससे ये मुख्तलिफ है, क्योंकि सदर ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में कशीदगी में इजाफा हो गया, लोगों के लिए मसाइल पैदा हो गए, उनका बहुत ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इम्तियाजी रवैया रहा, और उन्होंने कोरोना जैसे सेहत के मामले पे जो है गैर साइंसी बातें की। जब कालों पे तशद्दुद हुआ और उनकी तहरीक चली तो उन्होंने फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश की, तो पूरी दुनिया ट्रंप की पॉलिसियों के नतीजे में एक मुश्किल सूरत हाल में है। तो डेमोक्रेट वाइबल उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, अगरचे कि अभी तक तो जो रायम्मा के सर्वे हैं उसमें कुछ जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं थोड़ा सा आगे हैं, मगर यहाँ बैठ कर तो पेशिंगोई नहीं की जा सकती। मगर एक जनरल बात यह है कि दुनिया में जो लोग अमन से मोहब्बत करते हैं वो समझते हैं कि ट्रंप का दोबारा बरसरदार आना पूरी दुनिया के गरीब लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी और दुनिया के अमन के लिए बात नहीं होगी। उन्होंने ईरान से कशीदगी में इजाफ़ा किया, चीन से कशीदगी में इजाफ़ा किया, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ उन्होंने इसराइल की हिमायत की, तो उससे ना कशीदगी बढ़ गई, मसाइल बढ़ गए। तो सबकी ये ख्वाहिश है दुनिया में अमन से मोहब्बत करने वालों की कि ट्रंप को इस दफ़ा शिकस्त हो जाए और अमेरिका का वही नॉर्मल रवैया हो जो इससे पहले क्लिंटन या निक्सन के दौर का। देखें, इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो कई लिहाज से मुख्तलिफ है। पूरी दुनिया में कोरोना की वबा है और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा हिट होने वाला मुल्क है, तो उसकी वजह से इस दफा रिकॉर्ड 7 करोड़ 10 लाख जो वोटर्स हैं उन्होंने अर्ली वोटिंग, जिसको ये कहते हैं, ईमेल के जरिए होती है और वो मेल वोटिंग जिसको कहा जाता है, इस दफा जो है वो हुई है। तो 71 मिलियन पीपल जो कि 7 करोड़ 10 लाख लोग बनते वोटर बनते हैं वो पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। अब जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है वो आपके सामने इस तरह है कि जो तमाम सर्वे हैं वो तो ये बता रहे हैं तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन वो लीड कर रहे हैं और उनको कोई 8 से 10 पॉइंट्स के दरमियान, या आप कह लें कि 6 से 10 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बरतरी हासिल, और इसके बावजूद कि अगर जो बाइडन को नेशन वाइड लीड हासिल है, इसके बावजूद ट्रंप के जीतने के इम्कान बराबर है। पूरे अमेरिका में जो बाइडन कहीं ज्यादा वोट भी इनसे ले लें लेकिन वो मतलूबा मिकदार में इलेक्टोरल वोट ना ले सके तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे, कि नेशन वाइड लीड के होते हुए भी जो बाइडन इलेक्शन हार सकते हैं। अमेरिका के अगले सदारत इंतखाबात पर दुनिया भर की नजरें हैं, वहीं पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर अगले इंतखाबात के नतायज असरअंदाज साबित हो सकते हैं। कैसे अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा? अमरीका हर बार अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करता आया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक्तदार में आने या अगर इंतखाबात का मार्का जो बाइडन ने सर कर लिया, मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस हवाले से दोनों माहरीन क्या राय रखते हैं, आइए सुनिए। अगर ट्रंप को शिकस्त हो गई तो वज़ाहत इमरान खान की और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी और डेमोक्रेट के आने के बाद जो डीप स्टेट का मामला है उसमें फ़र्क आएगा और डीप स्टेट को पीछे की तरफ हटना होगा, क्योंकि डेमोक्रेट हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। तो डेमोक्रेट के आने से पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और 1973 के आइन की बालादस्ती चाहते हैं और जो समझते हैं कि डीप स्टेट से पाकिस्तान के सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, यकीनन उन्हें फ़ायदा होगा। कोई पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ट्रंप की वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, बल्कि मैं तो तौर पर कहता हूँ कि ट्रंप की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ है। आप देखें कि एक वक्त था कि ट्रंप ने पाकिस्तान को नियरली दहशतगर्द करार देने की शुरू में बात, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ कि जब उनको अफगानिस्तान से चूंकि उन्होंने निकलना है और ट्रंप ये वादा करके आए थे कि वो अमरीका को जंगों से बाहर निकालेंगे, अफगानिस्तान से निकलने के लिए उनको पता है कि उसका रास्ता पाकिस्तान से जाता है और पाकिस्तान ने भी पूरी दिलोजान से जो है वो
इस मामले में अमेरिका की मदद की। तो जब लास्ट ईयर व्हेन ट्रंप वेंट टू इंडिया, इंडियंस को सांप सूंघ गया जब ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म के खिलाफ एफर्ट्स हैं वो कमेंडेबल है, यानी काबिल तारीफ है, और हम पाकिस्तान एक जबरदस्त इत्तेहादी है और हम उसके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर जो बाइडेन जीत के आए तो वो करें कि अफगानिस्तान से इतनी जल्दी पुल आउट ना करें, इस वजह से भी शायद ये हो सकता है कि थोड़ा सा अफगान जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अमरीका में सब पॉलिसी सिर्फ सदर नहीं बनाता। पाकिस्तान और अमेरिका का की मिल्ट्रीज का एक स्पेशल रिलेशन है विद रेफरेंस टू मिडिल ईस्ट एज वेल, तो पाकिस्तान और अमरीका के जो मिलिट्री टाइज हैं वो कभी भी खराब नहीं हुए, दे हैव ऑलवेज बीन इन गुड कॉन्टैक्ट। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मजीद तजी और मजीद खबरों के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।